three, four. आज अनंदिता का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और अनंदिता के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच। जो ब्रेकफास्ट और लंच बनाऊँगी अनंदिता के लिए, वही जो है ब्रेकफास्ट होएगा मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने पहले, आपने जैसे कि देखा कि मैंने सोचा कि गोभी का पराठा बनाती हूँ अनंदिता के लिए। और अनंदिता स्टफ़ जो रोटी होती है वो बहुत ही अच्छे से खाती है, तो इसलिए मैंने जो है गोभी पहले से जो है कद्दूकस कर ली है। और आप जैसे कि देख सकते हो कि आजकल सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों में जो होती है गोभी में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो इसलिए मैंने गोभी को जो है अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी गोभी का परांठा। अनंदिता के लंच बॉक्स में आज है गोभी का परांठा। गोभी का परांठा मैंने अच्छे से पैक कर दिया और साथ में जो है मैंने उसको एक छोटी डिब्बी में डाल के दिए थे जेलीज, 3 से 4 जेलीज दिए थे, और साथ में कैश्यूज और थोड़ी सी किशमिश दी थी ताकि वो खुश होकर टिफ़िन जो है अपना फिनिश करके आए। ये तो मेन लंच बॉक्स है। इसके साथ ही फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने जो है उसके लिए बनाना जो है रख दिया है, और साथ में पानी जो है मैंने थोड़ा सा हल्का कोसा गर्म किया था। गुड मॉर्निंग। आज स्कूल जाना है, आज हो गया है, आज आप स्कूल जाओगे। एंड वेयर योर स्लीपर्स। हाँ स्लीपर्स है ही नहीं, आपने डाले। देखो कितनी ठंड हो रही है, मम्मा आपको गर्म पानी दे रही है और साथ में आप देखो क्या कर रहे हो। आपने पानी पी लिया, ये देखो आपने पानी पी लिया। ओके, नाउ यू विल डू ब्रश योर टीथ। ओके ये किसी के कपड़े जो है ना ऐसे नीचे की तरफ आ गए हैं, कोई बात नहीं। अनंदिता आप अब पूपू करोगे? आर यू रेडी फॉर द पूपू? पूपू पूपू कैसे बोलते हैं? आर यू रेडी फॉर द पूपू? पूपू पूपू। अच्छा लिसन, जब आपको पूपू आए ना तो आप मैम को क्या बोलोगे? ठीक है, आप मम्मा को मैम को बता देना, ठीक है, कि मैम चूचू आया है। एंड अगर आपको पूपू आए तो क्या बोलोगे? मैम मुझे पूपू आया है। और अगर आपको पानी पीना हो तो क्या बोलोगे? मैम मुझे पानी पीना है। और जब आपको भूख लगेगी तो क्या बोलोगे आप? मैम मेरे को भूख लगी है। ठीक है, क्या बोलोगे? भूख लगी है आपको, ठीक है, ऐसे बोल देना, ठीक है। और मैंने ना, और मैंने आपके लंच बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, फिनिश करके आना, ठीक है। ओके रेडी, मैं अनंता को अब स्कूल छोड़ने जाऊंगी। और यहाँ पे अनंता का जो है बैग रेडी है। एंड हियर इज अनंता, लेट मी शो यू। इसमें लंच बॉक्स डाल दूँ? आ जाओ, लंच बॉक्स डाल दूँ। गिव मी योर बैग, गिव मी योर बैग, खोलो। ये है इसके लंच बॉक्स। जब आपकी लंच ब्रेक होगी तो आपको ये टिफिन खाना है, ठीक है। और बोल रहे मैम को खोल दो, ओपन कर दो, बोल देना, ठीक है, कि मैम लंच बॉक्स ओपन कर दो। एंड इसमें है बनाना, ये आप फ्रूट ब्रेक में खाओगे। ओके, ये भी मैंने आपके इसमें रख दिया। एंड इट्स डन, ये मैं इसके इस कोने में रख देती हूँ।
इट्स डन। देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? कर तो दिया आपने, मैं पकड़ लूँ बैग आपका? ठीक है मैं पकड़ लेती। छोड़ो छोड़ो इसको, उतारो तभी बोल लूँ, उतार लूँगी। आ गई लिफ्ट, आ गई, आ गई लिफ्ट, आ गई लाइट। यस ओके, कम कम इनसाइड। ये दीज आर द फ्लावर्स। क्यों बैग क्यों नहीं पकड़ा रहे आप मुझे? अच्छा हम भारी है तो मैं ना पकड़ू। नंदिता लुक इन द कैमरा, कैमरा स्कूल चले। आपने देखा कि अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज मैंने बनाया था बेसन का चिल्ला अपने लिए। यहाँ पे जो मुँह में अपने लिए अब चाय बनाने लगी हूँ। और अनंदिता जो है थोड़ा सा जो है गोभी का पराठा खा के गई है। 4 to 5 जो बाइट्स होती हैं वो उसने खाई हैं। मैंने उसको इवन दूध भी गर्म करके दिया था बट हार्डली उसने 2 से 3 सिप ली है, उससे ज़्यादा उसने नहीं दिया। बट आई एम ट्राइंग कि उसको थोड़ा सा दूध जो है वो आदत बनाई जाए सुबह की, चाहे वो थोड़ा ही पिए, चाहे वो 2 से 3 घूटी पिए, पर पिए थोड़ा सा ताकि थोड़ी सी उसकी हैबिट बढ़ जाए, क्योंकि दूध इसके अलावा आप कब दोगे। और मैं कोशिश करूँगी आज शाम को जब पार्क में लेके जाऊँगी ना, तब मैं उसे जब सोने के उठने के बाद जो है उसे थोड़ा सा दूध, इतना सा दूध जो है दूँ, कोशिश करूँगी कि दूँ, क्योंकि उसने दूध जो है पीना बिल्कुल बंद कर दिया जब से उसकी जो हमने जो बॉटल फीड जो है बंद करवाई है, तब से उसने बिल्कुल दूध पीना बंद कर दिया है। सो अब जो है सोच रही हूँ उसकी दूध भी शुरू कर दूँ। तो ये चीज़ है, अब मैं साथ में चाय बना लेती हूँ और चाय बनाने के बाद चाय पीऊँगी और साथ में थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। कब का न्यूज़पेपर लगवाया हुआ अच्छे से मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को। और साथ में बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि अनंदिता जब घर पे थी ना तो मेरा पूरा ध्यान अनंदिता पे ही होता था, और जब भी मैं कोई काम करना चाहती थी इसके अनंदिता को देखने टेक केयर करने के अलावा, तो अनंदिता खुद भी मुझे नहीं करने देती थी। वो हमेशा मुझे यही बोलती थी कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास बैठो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ ही होती थी। तो अब जो है थोड़ा सा मुझे रिलैक्स है। अनंदिता 9:30 जो है स्कूल चली, मतलब 9:30 से पहले ही स्कूल चली गई थी। 5-10 मिनट पहले मैंने उसको छोड़ दिया था स्कूल में। और अच्छी बात यह है कि स्कूल पास ही है जैसे कि आपने देखा, तो वॉक करते हुए 5-10 मिनट पहले मुझे लगता है मैं बिल्कुल ब्लैक हो गई हूँ। तो 5-10 मिनट लगते हैं स्कूल पहुँचने में, बाय वॉक मैं पहुँच गई। और अच्छी बात यह है कि मैं वॉक करना स्टार्ट कर दी हूँ, और मैंने देखा है कि 1500 से 2000 स्टेप जो है लगते हैं मेरे वहाँ तक जाने के लिए। तो रोज़ के 3 से 4 हज़ार स्टेप तो मेरे अनंता को छोड़ने के लिए और लेके आने में लग जाए, मतलब हो जाया करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा पार्क में हो जाया करेंगे, क्योंकि मैं, आपको नहीं पता हो तो मैं थोड़ी अपनी फिटनेस पे भी पूरा ध्यान रख रही हूँ ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अनंता के बाद जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को, तो इट्स गुड टाइम अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँ। कुछ लोगों को ना चाय पीते हैं वो अदरक वाली, है ना, मैं, मेरे को आदत है अदरक प्लस जो बड़ी इलायची होती है ना उसकी चाय। हमारे ना जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी ऑफिस में, ये इलायची, बड़ी इलायची डाल के जो है वो चाय बनाते थे। तो जब भी कभी ऐसे होता था ना कि मैं लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए
और मैंने नाश्ता नहीं किया है किसी भी वजह से, तो मैं नाश्ता वहाँ पे अपनी कैंटीन में कर लेती थी, मैस में कर लेती थी, और वहाँ की चाय जो होती थी बहुत ही मज़ा आता था। और मैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है पराठे बनते थे और आलू पूरी बनती थी, ज़्यादातर मैंने वहाँ पे सिर्फ पराठे ही खाए हैं। तो वहाँ पे पराठे के साथ चाय मिलती थी और उस चाय की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि आज वो वाली चाय मिलेगी, और मैं वही चाय जो अभी जब घर में बनाती हूँ तो मैं बड़ी इलायची डाल के साथ में अदरक डाल के बनाती हूँ। आप मुझे बताना कि आपको कौन सी चाय अच्छी लगती है, क्योंकि कई लोगों को जो है इलायची की चाय काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं बिना कुछ डाले चाय नहीं पी सकती, कुछ ना कुछ मुझे डालना पड़ेगा चाय में, तभी मुझे टेस्ट आएगा चाय का। और नहीं अगर वैसी चाय बनी तो फिर मैं दोबारा फिर से मुझे तलब होने लग जाती है उसी चाय की जो मैं पीना चाहती हूँ। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि गड़बड़ हो जाती है चाय बनाने में, ध्यान नहीं दे होता या फिर कुछ कमी रह जाती है, उस वजह से अच्छी नहीं बनती। तो उस वजह से क्या होता है कि फिर मुझे दोबारा फिर से चाय पीने का मन करता है, इसलिए मैं पहले ही एक ही बारी में अच्छे से चाय बना लेती हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे नहीं होगा कि वाइट वाइट हो जाता ना समटाइम, मुझे लगता है कि मैं वाइट वाइट हो ही रही हूँ। आई थिंक विश हाँ अब सही है, मैं तो यहाँ पे जो हूँ मैं अपने बीन बैग पे बैठ गई हूँ। बाहर पोल्यूशन है यहाँ पे गुड़गांव में, ऑब्वियसली पोल्यूशन है ही, पर अभी क्या कर सकते हैं जहाँ पे रहते हैं वैसे वहाँ को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो हियर आई एम विद माय न्यूज़पेपर एंड माय बुक। ये बुक जो है मैंने एक दो बार पढ़ी है जब से मैंने ली है, एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस बुक। एंड अब जो है मेरे को थोड़ा क्वालिटी टाइम जो है जैसे बोल सकते कि मिल गया है। अनिता स्कूल गई है और यहाँ पे हल्की फुल्की धूप भी आ रही है मेरे यहाँ पे पीछे बालकनी में, और चाय का आनंद लेते हैं। चाय यहाँ पे मेरी आ चुकी है, ये देखिए मेरी चाय। सो बेसिकली अनंता के साथ मुझे कभी भी क्वालिटी टाइम तो नहीं मिला है, मतलब अनंदिता के साथ क्वालिटी टाइम मिला पर खुद के साथ मुझे नहीं मिला। तो अब जो है मैं आराम से अभी 10 बजे है और मैं आराम से जो हूँ अभी थोड़ा सा आधा घंटा अपना कुछ पढ़ सकती हूँ, कुछ अपना दिमाग चला सकती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, बुक पढ़ूंगी तो थोड़ा अपडेटेड रहूँगी और चाय पीऊँगी। सो पहले वो कर लेते हैं। That's it for this vlog. अब जो है अनंता को मैं लेने जाऊंगी, ऑलमोस्ट 12:15 पड़े हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा है मेरे पास और जिसमें मैं कुछ ना कुछ काम कर सकती हूँ। मैंने इसी वीडियो को जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको मैंने एडिट कर लिया, और साथ में सोच रही हूँ कि एक और वीडियो जो है शूट कर लूँ। और तो नेक्स्ट इसके बाद जो व्लॉग होगा अनंता के साथ जो व्लॉग होगा वो होगा अनंता की आफ्टर स्कूल की रूटीन। So I will definitely share with you the that vlog as well. So for this video, that's it, and I will see you in the next video. Till then, bye bye, and wait for my another vlog.